राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है। विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूँ सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूँ, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजेन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारा भी शेंजेन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो और फिर देखो ये शेंजेन का क्या करते हैं। उठा के परे कर देंगे शेंजेन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धाराभाई, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं, 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है, करना है करो, मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लोगे मेरा,
ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर, मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं चार तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए, आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो, चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉलर भी, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, जो स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी, उस नींव को उड़ा रहे हैं। और आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके बिना काम नहीं बनने वाला, आप हो भारत माता। मैं आपको बता रहा हूं ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है,
ठीक है आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला, दर्द भी हुआ, चोट भी लगी, मगर जो प्यार मिला, दिल से जो प्यार मिला, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं कह नहीं, बता ही नहीं, समझा नहीं सकता आपको। और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। यह नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए। तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। ये हमारे सब महापुरुषों ने कहा है, गांधी जी ने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, यही कहा। अगर राम का बुद्धा का एक ही मैसेज है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। धन्यवाद।